हमारा आइसक्रीम हम दोनों खा रहे हैं। यू लुकिंग ब्यूटीफुल। ओ जो बक्कू पहनने का रसम है वो भी हमने पहन लिए, तो मेरा ये डिजायर जो है ना बक्कू पहनने का वो तो मेरा फुलफिल हो गया। एमजी मार्ट में भी ब्लॉग लेना है ना आज भी। Guys, good morning everyone. I'm doing well. So it's me Nisha Rinpal and welcome back to my YouTube channel. So आज सुबह सुबह इतना अच्छा हो रहा है कि बाहर भी वो सन्नी भी होने वाला है आज। हम लोगों को अभी से पता चल रहा है। So आज का हमारा plan क्या है वो हम लोग ना वो गेंटक में वो क्या है बक्तंग फल सब क्या है ना वो बक्कू पेंटर वहाँ बहुत होता है ना वो फल जाने वाला है, पर पता नहीं फिक्स तो अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग मुझे तो बहुत ऐसा ही फील हो रहा है कि हम लोग जाएंगे पर हम जिसके साथ जाने वाला है वो भाई हमारा एक ब्रदर है, वो दादा ने बोला था कि हम लोगों को लेकर चले जाएंगे। फिर दादा ने अभी तक फिक्स नहीं किया है, कोई बात नहीं, वो दादा हमें थोड़ी देर में कॉल कर रेडी हो जाए, बहन लोग ऐसे बोलने वाला है, इसलिए हम लोग तो अब जल्दी उठ कर रेडी हो जाएंगे। सो गाइस मेरा ब्लॉग आज का यही है कि हम लोग जाएंगे वहाँ और क्या क्या करेंगे वो बक्कू पहन कर ऐसा इधर उधर क्या क्या करेंगे, रील्स बनाएंगे, थोड़ा कुछ होता है रिफ्रेशमेंट के लिए जाने वाला है। सो आप लोग मेरा ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहे, हम लोग वहाँ क्या क्या करते हैं वो सब ब्लॉग में देखेंगे। सो गाइस देखते रहे। यतिखेर चाहिँ गएर चाहिँ मलाई बिर्सिन्छ भन्छ फेरि हेलो हाउ आर यु अल आजको जर्नीको बारेमा यु ह्याभ टु से समथिङ। आज हम लोग ना वो बागतंग फॉल तक क्या बोलते हैं ना वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ कैसा है और ना जरा देखेंगे वो व्यू कैसा है। और हमें तो बक्कू पहनने का बहुत शौक है ना, तो आज हम लोग बक्कू पहनने के लिए वो बागतंग फॉल जा रहे हैं। सो वी फील एक्साइटेड। ओके यू लुकिंग ब्यूटीफुल। हेलो निर्जला, आपने ये फूल जैसे ब्यूटीफुल, आपको पता है? मुझे पता ही नहीं था। निर्जला आप अपने चश्मे के बारे में कुछ बोलो। मुझे ना ये मेरा दादा है ना उसने मुझे गिफ्ट किया है, अभी से गिफ्ट किया है। और आपको ना ये चश्मा ना बहुत अच्छा रहे, आपको पता है? और आप और हम लोग और आप लोग को अब हम दिखाने जा रहे हैं हमारे आज के जॉनी के साथ दो ब्रदर्स भी है जो हमें गाइड कर रहे हैं। वो प्लेस के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है, तो दे वे गाइड। चश्मा पहन कर कैसा फील हो रहा है? और मुझे ये चश्मा ब्रदर ने बाय किया है। हाँ सो थैंक यू बोलो ब्रदर को। ओके एमजी मार्ट में क्योंकि यही रास्ते होके हम जाते हैं वो जहाँ हम जाने मतलब हम जाने का प्लान है वो क्या है बक्तंग फॉल्स। वहाँ जाकर बक्कू पहनने का बहुत शौक है मुझे। सो वी मीट यू शॉर्टली। जर्नी बिगिन हुआ ये रास्ते से, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। हाँ वो प्ले ये जहाँ से होके जा रहे हैं वो प्लेस का नाम है चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ से हम फिर टैक्सी लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम बक्तंग फॉल्स। Yeah.
ये पता नहीं कौन सा स्टेशन ये क्या है। यहाँ से गाड़ी पकड़ के जा रहे हैं हम। बताइए ये पास में हमारा कौन सा मंदिर है? ये कौन मंदिर? ठाकुरबाड़ी मंदिर। अब यहाँ से हमारा जॉर्नी बिगिन हो रही है। अब यहाँ से हमारा जॉर्नी बिगिन हो रहा है। अब हम वो फॉल्स की तरफ जा रहे हैं और हम आज आप लोगों को दिखाएंगे वो फॉल्स का अच्छा अच्छा वाला व्यू। मतलब पहुंच गए जहाँ हम लोग कभी पहुंच गए बागदंग फॉल गए जहाँ का बड़ा डेस्टिनेशन था वहाँ पे पहुंच गए। अब हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे बहुत सारा, आप लोगों को भी दिखाएंगे ये फल। अब हमारा यहाँ पे होगा फोटोग्राफ सेशन। ये फॉल्स के पास में कहेंगे हम, वहाँ जाके फोटो लेंगे ना। जा यहाँ पे सबका फोटो सेशन हो रहा है, सब लोग मज़े से फोटो ले रहे हैं और इस प्लेस का मज़े ले रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए। जो बक्कू पहनने का रसम है वो भी हमने पहन दिए, तो मेरा ये डिजायर जो है ना बक्कू पहनने का वो तो मेरा फुलफिल हो गया। ये हम लोग वो बागटन फॉल से वापस जा रहे हैं। इतना है दादा, हेलो बोलो ना। हेलो धनवा यार तुम किधर गई? वेयर आर यू? मैं तो खो गई इधर। तो मुझे ये चश्मा से बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। कितना अच्छा हुआ वहाँ फॉल्स में, बहुत अच्छा था। हम लोग ने बहुत रील्स बनाए, फोटो भी क्लिक किया है ना। अब हम लोगों को भूख लग रही है तो एमजी मॉल से जाकर लंच कर लेंगे। अभी हम लोग बागटन फॉल्स से जा रहे हैं। वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स एमजी मॉल। होइन डोको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, वो फॉल्स मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या बताओ, और बताओ दीदी ने किया बक्कू का भी एक्स्ट्रा चार्ज करने की वजह से। अंकल ने भी हम लोगों को 100 रुपीज ज़्यादा चार्ज कर लिया। बक्कू का भी 100 रुपीज चार्ज था, पर हम लोगों का तो 1 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। सब दादा ने ट्रीट दिया है हम लोगों को बहुत। ये चश्मा भी मुझे गिफ्ट दिया है दादा ने, ये चश्मा भी मुझे दादा ने गिफ्ट दिया है। अब हम क्या बोले दादा, के भन्नुहुन्छ तपाईँ, के भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा? भन्नु न हिन्दी बोल, अलिक बोल्नु न, केही हुँदैन। हिंदी से बात कर लो ना यार, बात करो बोल रहे हैं हिंदी से बात करना। हमको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हम घूम गया, घूम के आया, बस हो गया। फिर आपको कैसा फील हो रहा है? आपको कैसा फील हो रहा है वो भी बताइए ना थोड़ा। अच्छा लगा। हम लोगों ने आपको बहुत क्या बोलते है वो गुस्सा दिलाया ना, वो फोटो ऐसा वाला क्लिक कीजिए, ऐसा वाला क्लिक कीजिए, और वो रील्स में भी ऐसे कीजिए, उसे कीजिए। आपको कैसा फील हुआ उस समय? अच्छा लगा। धन्यवाद। तुम बोलो और तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ, फोटो लिए बहुत अच्छे अच्छे फील वाला। आप जाके इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप सब जगह पोस्ट करेंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे।
फिर मेरा ब्लॉग में तुमको भी आने का मौका मिला ना, तुमको कैसे फील हो रहा है मेरे यूट्यूब चैनल में जाते? एमजी मार्ट में भी ब्लॉग लेना है ना आज भी? ब्लॉग तो ज़्यादा ही लेने से अच्छा होगा ना, क्योंकि हमारा वॉच टाइम बढ़ाना है तो ब्लॉग तो डेली डेली यूज डेली डेली अपलोड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज हम लोग जितना कर पाएंगे उतना ही करेंगे, फिर कल हम दादा के रेस्टोरेंट में वो कैंटीन में आकर ब्लॉग लेंगे, ठीक है दादा? बने ना, ठीक है ठीक है। कल हम आपके कैंटीन में आएंगे, ठीक है, ब्लॉग लेने के लिए। कल होगा। और भाई तुम भी कुछ बोलो ना, तुम्हें कैसा फील हो रहा है वहाँ जाने से? अरे जोर से बोलो ना, भूख लगा है दादा, आपके भाई को तो बहुत ज्यादा भूख लगा है, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रहा है अच्छा से। हम लोगों को भी भूख लग रहा है। एमजी मार्ग पे पहुँच के लंच करेंगे, ठीक है? आज तो हम लोगों को इतना इतना मजा आया, इतना अच्छा फील हो रहा है, कैसे बताऊँ। धनमा इधर देखो ना, बाहर मत देखो, बाहर मत देखो, कुछ बोलो ना तुम भी। क्या बोलूँ मैं, आप मेरे जो बोलना था बोल दिया तुमको। अच्छा था, कल भी जाएंगे ना ब्लॉग लेने के लिए दादा के कैंटीन। और यहाँ ये क्या है, बाजरा वर्ल्ड है, यहाँ भी हम लोग का आने का मौका मिला। अंदर तो नहीं जा सका क्योंकि ये KFC में तो सब नॉन वेज होता है, हम लोग तो वेजिटेरियन है इसलिए यहाँ नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ही ना वो सीन देखकर चले जाएंगे। बैक टू एमजी मार्ग, अब हम सब विजिट करके आ चुके, अब थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे, कुछ कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद हम कुछ खिला दीजिए हम लोगों को भी। हाँ दादा, हम लोगों को कुछ खिला दीजिए, हम लोगों को भूख लग रही है। आज का आज हमारा जो सब दादा ने पे किया, दादा की वजह से हम भी खाएंगे, आप लोग भी खाइए। दादा की वजह से हम लोग आज घूमने के लिए आए, पहुँच के आए। थैंक यू टू दादाजी एंड दादा। How you feel? I'm fine. एकदम। दादा के पीछे पीछे चल रहे। आज भी एमजी मार्ग आने का मौका मिला। इधर देखो ना, इधर निकल माया। Hello. दादा इधर देखिए। Hello Moto. बहुत अच्छा अच्छा, हमने बहुत अच्छा अच्छा फोटो क्लिक किया है वो बक्तांग फॉल्स में जो है ना, बहुत अच्छा अच्छा, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कल हम लोग यहाँ आए थे एमजी मार्ग में, पर उतना मज़ा नहीं आया था जितना दादा के साथ आने में हो रहा है। भाई धनमाया, कल भी हम आए थे पर उतना मज़ा नहीं आया जितना आज आया है हम लोग दादा के साथ में आया है। दादा इधर देखो ना, हेलो, यहाँ फोटो खींच। ये हमारा कैंटीन का एकदम लवली दादा है, हम लोगों को बहुत ख्याल रखते हैं, हम लोग धनमाया और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं दादा। इज आवर ब्रदर, एकदम बहुत अच्छा वाला ब्रदर है वो गैंगटॉक का। नाम है अशोक, अशोक ब्रदर है उसका। तादुंग में ना वो क्या बोलते हैं कैंटीन है, हम लोग कॉलेज में जब आएंगे तो हम लोग दादा के कैंटीन से ही खा लेते हैं ना, इसलिए वो दादा बहुत फेमस है। दादा का नाम क्या है, अशोक बुबू है। अशोक, आप लोग भी आ सकते हो वहाँ दादा के, उसमें आलू पराठा बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। है दादा, हेर्नु न, यस यस, दादा इज भेरी एक्टिभ इन कुकिङ। हो, हम लोगको त कभी कभी फ्रीमै पनि दिएको थिए दादाले, हम लोगको कभी कभी फ्रीमै दिएको थिए, चाय कफी सब लोग दिएको। हम लोग दादाको साथ घुम्ने में आज बहुत मजा आ रहा है। एमजी मार्ग है, देखिए पीछे का नजारा देखिए, एमजी मार्ग है ना, हम लोगों का इतने पास में ही है तादुन से, पर फिर भी हम लोग सब ऑल टाइम नहीं आ पाएंगे, कभी कभी आते फिर ऐसा ही कभी कभी आ सकते हैं हम लोग। धनमाया तुम कहाँ हो, इधर देखो, इधर ये फोटो देखने में बिजी है, ये इसका फोटो देखने में बिजी रहते हैं। ऑल आर इनवाइटेड टू वॉच द फुटबॉल मैच ऑफ बॉयज हॉस्टल टुडे। वाओ, विल गो देयर आल्सो। आज हम लोग फुटबॉल बॉयज हॉस्टल में फुटबॉल है वो भी देखने के लिए चले जाएंगे। और अभी
क्या बोलेंगे ये एमजी मार्ग में ये बोल रहे ना वहाँ फोटो खींचा यहाँ फोटो खींचेंगे उड़ा निर्जला फोटो निर्जला की फोटो शूटिंग हो रही है और वो बहुत स्टाइल स्टाइल दे रही है वो इधर फोटोग्राफर इधर हमारा अशोक गाइस हम लोगों को ना बहुत भूख लग रहा है अब भूख से ना कब हॉस्टल पहुंचेंगे ये हम लोग सोच रहे हैं अभी ये धनमाया बिजी है जब भी देखो बिजी रहती है ये इसका ना बहुत ज़्यादा बोझ बिजी मत रहो ना इधर देखो ना बहुत भूख लग रही है सो यहाँ आए हैं क्या कहेंगे आइसक्रीम यहाँ बैठ कर लंच करेंगे ये लंच का टाइम है और ये भाई आइसक्रीम खा रहा है कुछ खा रही है वो भी चाउमीन खा रही है बोलती है कि मैं मोटी हो गई हूँ पर ऐसे खाना खाती है तो कैसे मोटी नहीं होगी बोलती है मैं मोटी हो रही हूँ फिर अब जाके वो एडिट करती है कि मैं मोटी हो रही हूँ फिर खाती है ऐसे देखो चाउमीन खा रही है आज मेरा मामा से भी भेंट हुआ कि वल्लो में मने तो भांजी के बारे में क्या बताना है आपको भन्नु ना हिजो लागेथे कुछ बताइए कैसा लग रहा है भांजी को रियल में देखकर बहुत अच्छा हमने अब सब विजिट कर लिया आज का जो जो सोचा था हमने अब हम वापस बैक टू हॉस्टल हो रहे हैं ये जो लाइन है ये गेंटू का मतलब बोलते हैं इसको ठारा लाइन बोलते हैं ये सीधा जैसे जाता है ना आप जाता है सीधा नीचे इसीलिए इसको ठारा लाइन बोलते हैं अब इसके पास में एक सिनेमा हॉल भी है जिसका नाम है डेंजोंग सिनेमा हॉल वहाँ पे आप कभी कभी मतलब मूवी देखने आ सकते हो मतलब जो कोई भी सिक्किम में रह रहे और ये रही हमारी यूट्यूबर निर्जला नेपाल यहाँ पे बहुत सारा मतलब शॉपिंग करने वाला कपड़े का मतलब वो शॉप है यहाँ पे बहुत ऑफ लगा हुआ है जैसे लग रहा है कपड़ों में यहाँ पर सेल भी लगा है उधर देखो यहाँ पे सेल भी लगा है पर इस मार्केट का नाम क्या है पता ही नहीं सब ठारा लाइन मार्केट ही बोलता है और यहाँ पे सब मतलब कपड़ों में भी सब ऑफ लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिनेमा हॉल जो गेंटुक में मतलब एमजी मार्ग के पास है डेंजोंग सिनेमा हॉल हमारा वो लाल बाजार बोलते हैं इधर यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है गेंटुक का यहाँ से जाता है जो वो मार्केट का रास्ता वहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है आपको वहाँ से जाते हैं अब कहाँ से ये उधर से जाएंगे नहीं दूसरा रास्ता लेकर अब हम रोड क्रॉस करने जा रहे हैं दोनों बहना ये जो हमारा नीचे जाने का रास्ता है जहाँ से हम गाड़ी के पास पहुँचेंगे आइसक्रीम खाना है ठीक है खा सकते हाँ बोलो ना कौन कौन सी फ्लेवर चॉकलेट खाएंगे हाँ बनाऊ देखे तो मैं अभी आइसक्रीम बाय कर रही हूँ हाँ हाँ दोनों आइसक्रीम बाय कर रहे वाह थैंक यू हमारा आइसक्रीम हम दोनों खा रहे हैं चलते चलते खाएंगे आइसक्रीम बहुत टेस्टी है ना कोई हमें भी ऐसे फ्लावर दे दे तो हम बहुत अच्छी चल स्पेशल ये दे देना तो बहुत ही अच्छा होता
हम गरीब को भी कोई फूल दे दो। पहले आइसक्रीम खत्म कर दे ला। अब हमने आइसक्रीम भी फिनिश कर ली और हम लोग अब ऑन द वे टू हॉस्टल। अब हम निकल रहे हैं हॉस्टल के लिए। सो धन्यवाद, जल्दी आओ। हम लोगों को वो कार भी पकड़ना है उधर से। ये हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वो क्या है, एम जी मार्ग से हम लोग क्या बोलते हैं, ये गार ये लाल बाजार के नीचे या हम जहाँ से टैक्सी लेते हैं ना, वो तादुंग और कहाँ कहाँ जाने के लिए हम लोग वहाँ पहुँच गए। अब हम नीचे जा रहे हैं और हम लोग अब वहाँ कार है, देखो वहाँ पर रोड है, तो हम लोग अब रोड पे चले जाएंगे और जा रहे हैं लेकर नदी अरे भो नो नीट भे। एंड हम लोग अब जा रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ क्रॉस भी करना पड़ेगा क्योंकि उधर का रास्ता बंद है ना। सो हम लोग आज यहाँ से आना पड़ा, कोई बात नहीं, हम लोग कभी कभी ये क्रॉस भी करने के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो अब हम लोग ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा। हम लोग कार में बैठ गए हैं। सो हम लोग यहाँ जो यहाँ टैक्सी स्टॉप है ना, यहाँ से हम लोग कार में बैठ गए। अब हम लोग तादुंग के लिए निकल रहे हैं। तो धनवाया क्या बोलना है तुम्हें? अब मुझे क्या बोलना है आज का सब? तुम तो बहुत टायर्ड हो गए हो क्या? मुझे भी थोड़ा थोड़ा टायर्ड हो रहा है, देखो ना, मुझे सूट कर रहा है और नहीं कमेंट में बताना। यहाँ बता दूंगा आ गए। और यहाँ पे हमारा तो मंदिर है, वहाँ भी हम बाहर। अब आप लोगों को हम ये मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। हमारा बहुत स्वीट एंड शानदार मंदिर, इसे देखने में रेड फोर्ट जैसा ही लगता है। दिल्ली में जो रेड फोर्ट है ना, ऐसा ही दिखता है, नीचे से नजरा है ना वो। और नजदीक से हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते है, जो मतलब शादी के मंडप भी इधर होती है। कोई बात नहीं, शादी करना है तो यहाँ आ सकते हो आप लोग। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली हम दर्शन करवाने जा रहे हैं। अंदर तो नहीं जा रहे क्योंकि वी आर हैविंग और लंच फ्यू मिनट्स अगो की, दैट्स वाई वी आर नॉट अलाउड टू एंटर। सी हाउ स्वीट कॉरिडोर आर देयर। सो अब रही है हमारा निर्जला नेपाल, हमारी निर्जला नेपाल यूट्यूबर। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए। मैं तो बहुत, यहाँ से व्यू कितना अच्छा आता है, सच में बता दूंगा। मैं तो बहुत टायर्ड हो गई आज तो। हम लोग एक दो रील्स बना लेंगे यहाँ पर। हम लोग जहाँ से शुरू हुआ था हमारा जर्नी, वहाँ पहुँच गए हम लोग। ये देखिए तो ये ना, ये ऊपर देखते ना, ये हमारा तादुंग कॉलेज के पास में ही है, पर ये देखने में रेड फोर्ट जैसा दिखता है ना। सो हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट किया था जब हम लोग में फंस गए थे, फिर हम लोग यहीं पहुँच गए। देखिए अब हम लोग ये क्रॉस करके हॉस्टल चले जाएंगे। सो आज के लिए ब्लॉग इतना ही है। सो आप लोग गाइस प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो टिंग वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो पहले ही पहुंच जाए आपके पास। जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आप लोगों को फर्स्ट में आप लोगों के पास आ जाए, इसलिए वो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और ये मेरा दोस्त है, बहुत सुंदर है। सो गाइस आज के लिए इतना ही ब्लॉग है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए।